अपने देश में हम सीमेंट उद्योग की प्रगति को देखते हैं तो इस तालिका में आपको 1950 से लेकर 2011 के मध्य के आंकड़े नजर आ रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापित क्षमता, वहां पर किया गया प्रोडक्शन जो उत्पादन है, और उस क्षमता का कितना प्रतिशत जो है वो उपयोग किया गया। 1950-51 में 33.0 लाख टन स्थापित क्षमता थी सीमेंट उद्योग की, और यहाँ पर टोटल जो प्रोडक्शन किया गया वो 27.3 लाख टन, और इस क्षमता का जो पूरा उपयोग है वो 100 में 82.7% क्षमता का उपयोग किया गया। 1960-61 में हम देखते हैं स्थापित क्षमता 90.3 हो गई बढ़कर, प्रोडक्शन भी बढ़ गया है आपका लगभग 3 गुना, और वो 70.9 हो गया। और क्षमता का जो उपयोग किया गया उसमें थोड़ी कमी आई है, जो 82 था वो अब 78.5 हो गया है। 1970 और 71 के बीच के आंकड़े देखें तो स्थापित क्षमता फिर से बढ़ गई और ये 181.0 हो गई, प्रोडक्शन बढ़कर 144.0 हो गया, और क्षमता का उपयोग प्रतिशत में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है जो हमें 79.6% देखने को मिलती है। 1980-81 के बीच में देखते हैं 260.9 है स्थापित क्षमता, उत्पादन बढ़कर 211.0 हो गया, और क्षमता का उपयोग जो है इसमें भी वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 81.2% हो गया है। 1990 और 91 के बीच इसमें हमें लगभग दुगने से अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है स्थापित क्षमता में, और ये बढ़कर 600.0 हो गया है, उत्पादन 490.4 हो गया, मतलब लगभग दुगनी वृद्धि इसमें भी हो गई है, और क्षमता का उपयोग जो है वो थोड़ी वृद्धि के साथ 81.6% है। अब हम 2003-04 के आंकड़े देखें तो इसमें स्थापित क्षमता 1.1517, उत्पादन 1170, और क्षमता का उपयोग थोड़ी कमी आई है और ये 70% हो गया है। 2007-08 में हम देखते हैं 1882 स्थापित क्षमता, उत्पादन 1676, और क्षमता का उपयोग इसमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है जो 70 से 91% हो गया है। 2008-09 में स्थापित क्षमता 2303 थी, उत्पादन 1814, और क्षमता के उपयोग के प्रतिशत में हमें कमी देखने को मिल रही है फिर से, और ये 91 से 79% हो गया है। 2009-10 में प्रोडक्शन 2007 था, जो 2010-11 में बढ़कर 2097 हो गया। आइए अब हम बात करते हैं पटसन उद्योग के विषय पर। पटसन उद्योग के लिए हमें पता है कि प्रमुख कच्चा माल जो है वो जूट होता है, और जूट से बने आप अपने घर में गलीचे, दरियां, बैग, चटाई, ऐसे बहुत ही जो अलग-अलग प्रकार के सजावटी सामान, ये सारे सामान आप उपयोग करते होंगे, तो इन सभी का निर्माण जो है वो किसी उद्योग में होता है। तो हम बात करते हैं पटसन उद्योग के विषय पर। बच्चों, यदि हमारे भारत में हम पटसन उद्योग की बात करें तो ये सबसे पहले स्कॉटलैंड निवासी जो जॉर्ज ऑकलैंड ने 1855 में कोलकाता के पास जो रिश्रा नामक स्थान है वहाँ पर पटसन उद्योग की स्थापना की थी। अब यहाँ जो जूट मिल स्थापित हुआ, यहीं से हम देख सकते हैं कि कोलकाता के आसपास या हम कहें कि हुगली नदी के किनारे किनारे ही भारत में जितनी भी जूट मिलें या पटसन उद्योग हैं उसका केंद्रीकरण देखने को मिलता है। इस बात का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि भारत में कुल 73 मिलें जो हैं उनमें से लगभग
55 मीलें जो हैं वो यहीं पर स्थापित हैं, हुगली नदी के किनारे। अब इस उद्योग से हम देखें कि लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार जो है वो मिला हुआ है। पूरे भारत के 2.5 लाख जो लोग हैं वो पटसन उद्योग के माध्यम से उन्हें रोजगार मिला है। अब क्या बात है कि जो पूरी भारत में कुल 75 मीलों से में से जो 55 मीले हैं वो हुगली नदी के तट के सहारे ही क्यों विकसित हुए हैं? तो हुगली नदी के तट के सहारे या कोलकाता में जो पटसन उद्योग है उसके केंद्रीकरण के जो प्रमुख कारक की हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहला है कच्चा माल। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ये हम सभी जानते हैं। और पटसन उद्योग की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जूट जो है ये सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है। और पटसन जो है वो पूरे गंगा के डेल्टाई प्रदेश में जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और चूंकि ये क्षेत्र जो है वो इसके पास ही स्थित है या उसके तट पर स्थित है, इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर जूट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा प्रमुख कारक हम देख सकते हैं जो यहीं पास स्थित छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से इसे कोयला मिल जाता है। और जो दामोदर घाटी परियोजना है यहाँ से इसे जल विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। तो चाहे हम कोयला या ऊर्जा के रूप में जल विद्युत, इन दोनों की भी समस्या नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं जो पटसन या जूट होता है, तो इस पटसन को धोने के लिए, उसकी रंगाई के लिए, उसे सड़ाने के लिए, सभी चीज़ के लिए जल की जो है वो बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और चूंकि ये क्षेत्र जो है वो हुगली नदी के किनारे ही स्थित है, इसलिए जल की पर्याप्त आपूर्ति जो है इन यहाँ पर जो स्थित जूट उद्योग हैं उन्हें बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती है, जो इसके विकास का एक प्रमुख फैक्टर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलकाता महानगर के पास ही ये पूरे जो जूट मिले हैं वो स्थापित हैं। तो महानगर की जो फैसिलिटी हम कह सकते हैं या सुविधा जो है वो भी इन मिलों को मिलती है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर की तटीय क्षेत्र या तटीय जलवायु होने के कारण नम जलवायु, और यहीं से नम जलवायु बहुत आवश्यक है जूट के उत्पादन के लिए, इस उद्योग के लिए। तो नम जलवायु के साथ ही साथ चूंकि ये एक सघन आबादी वाला क्षेत्र या प्रदेश है तो यहाँ से इसे बड़ी मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं, जो यहाँ पर जूट उद्योग की स्थापना या उसके विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कोलकाता एक महानगर तो है ही, जहाँ से इसे महानगरीय सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं, और साथ ही साथ कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है भारत का। तो इस बंदरगाह के माध्यम से इस पूरे जूट मिलों को या यहाँ स्थित जो पटसन उद्योग हैं इन सभी को बाहर की तरफ माल भेजने के लिए या वहाँ से मंगाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि आयात और निर्यात की बहुत अच्छी सुविधा जो है ये प्राप्त हो जाती है। और हम सभी को पता है कि जल परिवहन जो है वो एक परिवहन का बहुत ही सस्ता और सुलभ माध्यम है, और यहीं से कोलकाता बंदरगाह की निकटता के कारण इस क्षेत्र को ये सुविधा जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हमने देखा कि हुगली नदी के तट के किनारे किनारे ये जितनी भी जूट मिले या पटसन उद्योग जो हैं वो विकसित हुए हैं, तो ये प्रमुख फैक्टर जो हैं वो इसे प्रभावित करते हैं या उसके विकास के लिए हम उत्तरदायी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पटसन उद्योग का वितरण भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में पटसन उद्योग जो है वो वितरित है। तो अभी तो हमने बात की कि सबसे प्रमुख रूप से
ये कोलकाता या पश्चिम बंगाल, हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से इसका वितरण या संकेंद्रण देखने को मिलता है, और पश्चिम बंगाल में भी हुगली नदी के तट के किनारे किनारे इनका सर्वाधिक विकास हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में लगभग पूरे भारत के जूट उत्पादन का 84%, 84% जो प्रोडक्शन है वो अकेले पश्चिम बंगाल में ही होता है। और इस पश्चिम बंगाल के हम देखें कोलकाता, हावड़ा, रिसरा, बजबज, शिवपुर और इसके साथ ही साथ श्याम नगर, ये जो हैं ये श्याम नगर और बांसबेरिया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल के जहाँ पर जूट उद्योग का वितरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है जूट के उत्पादन में, और ये पूरे भारत का लगभग 10% जो है जूट का उत्पादन करता है। अब यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर जूट मिले स्थापित हैं या जहाँ जूट का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं गुंटूरू है, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, फिर चिल्लीवेलसा, इलिरू और ओंगले, ये जो हैं ये प्रमुख क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के जूट उत्पादन के। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर, सहजवान, सहजवान जो गोरखपुर में है, ये प्रमुख जो है जूट मिले यहाँ पर स्थापित हैं। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार में हम देखते हैं बिहार का पूर्णिया, कांठार और दरभंगा, ये जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। और बच्चों हमारे छत्तीसगढ़ में तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में प्रमुख रूप से जूट का उत्पादन जो है वो किया जाता है, या रायगढ़ जिला जो है वो जूट उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ओडिशा, तो ओडिशा में हम देखते हैं कटक में जूट का उत्पादन किया जाता है। तो ये पूरे भारत के जो हैं ये प्रमुख पटसन उद्योग यहाँ स्थापित हैं, या हम कहें कि जूट का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अभी हमने जूट उत्पादन के विषय में बात की, हमने देखा कि देश में जो जूट से निर्मित वस्तुएं हैं उनका निर्यात कम हुआ है और इसकी खपत काफी बढ़ गई है। जो विश्व के बाजार हैं उनमें जूट के माल का निर्यात और बढ़ाने के लिए और इसके उपयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, बांग्लादेश और साथ ही साथ थाईलैंड और भारत ने मिलकर जूट इंटरनेशनल की स्थापना की है। आइए हम बात कर लेते हैं इस उद्योग की प्रमुख समस्याओं के विषय पर। ये उद्योग अभी इन प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। पहला तो हम देखते हैं जो निर्यात बाजार है, इस निर्यात बाजार में कारपेट व पैकिंग वस्त्र की घटती मांग। दूसरा, निर्यात व्यापार में पटसन निर्यातक जो देश हैं उनके बीच कठिन प्रतियोगिता है, इसका सामना भी इस उद्योग को करना पड़ रहा है। तीसरा, जो जूट निर्मित कारपेट और पैकिंग वस्त्र हैं उनकी लागत मूल्य बहुत अधिक होने से ये काफी महंगी हो जाती है, जो इस उद्योग की प्रमुख समस्या है। फिर नेक्स्ट है जो कृत्रिम रेशे हैं, उन कृत्रिम रेशों के जो कारपेट हैं और पैकिंग के सामान, इन जूट की अपेक्षा जो है वो काफी सस्ते मिलते हैं और साथ ही साथ आकर्षक भी होते हैं। इसके कारण इससे इसे कठिन प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है कच्चे माल की कमी और जो आधुनिक संयंत्र हैं पटसन उद्योग के, उनका ना होना या उनकी मात्रा बहुत कम होना। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जिनका सामना हमारे देश में जूट या पटसन उद्योग को करना पड़ रहा है। बच्चों आइए आज हम बात करते हैं एक प्रमुख उद्योग पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इस उद्योग के क्या क्या फायदे हैं, या इस उद्योग में कौन सी चीज़ें या वस्तुएं जो हैं वो निर्मित की जाती हैं जो हमारे उपयोग में आती हैं। तो आप जो कपड़े सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं,
है ना, सिंथेटिक कपड़े तो आप पहनते ही होंगे। तो क्या आपको पता है कि ये सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो कृत्रिम रेशे से बनाए जाते हैं, और ये कृत्रिम रेशा जो है वो इसी पेट्रो रसायन उद्योग में ही बनता है। आप घर में जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हम खेती के लिए या अलग अलग फसलों में सब्जियों के लिए जो पेस्टिसाइड या कीटनाशक जो उपयोग करते हैं, ये सभी कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो इसी पेट्रो रसायन उद्योग में निर्मित किए जाते हैं। तो ये एक प्रमुख जो है उद्योग है। अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं कि पेट्रो रसायन उद्योग है क्या। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको, पेट्रो रसायन से जो प्राप्त किए गए रसायन हैं उस पर आधारित उद्योग को पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है। मतलब जो पेट्रोलियम खनिज तेल से हम सभी परिचित हैं, तो खनिज तेल या पेट्रोलियम, इससे जो रसायन निर्मित होते हैं और उस पर आधारित जो उद्योग होते हैं उन्हें हम पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। अब इस पेट्रो रसायन उद्योग को प्रमुख रूप से चार उपवर्ग में रखा जाता है, जिसमें पहला है पॉलीमर, या आप घर में अलग अलग उपयोग में जो प्लास्टिक उपयोग में लेके आते हैं, इसका तात्पर्य उसी से है, पॉलीमर या प्लास्टिक। घर में आप बाल्टी यूज़ करते हैं, टब यूज़ करते हैं, आपके बैग में कंपोस्ट जो होता है, ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं हाँ जो प्लास्टिक से निर्मित की जाती हैं, ये प्लास्टिक इसी उद्योग में बनाया जाता है। तो इसके चार उपवर्ग में से पॉलीमर या प्लास्टिक, दूसरा है इलेस्टोमर्स, तीसरा है कृत्रिम रेशा, जैसा हमने अभी बात की थी कि सिंथेटिक कपड़े जो आप पहनते हैं ये सिंथेटिक कपड़े कृत्रिम रेशों के सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये कृत्रिम रेशा भी इसी पेट्रो रसायन उद्योग में ही निर्मित होता है। तो चौथा हम देखते हैं सर्फेक्टेंट, या जो आप घरों में बर्तन साफ करने के लिए या कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसी से इसका मतलब होता है सर्फेक्टेंट। तो ये चार उपवर्ग हैं पेट्रो रसायन उद्योग के। अब हम देखते हैं जो हमारे भारत में पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र जो है वो मुंबई है। मुंबई में ये प्रमुख रूप से इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। ये सार्वजनिक सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो 1961 में स्थापित किया गया और इसका नाम था द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NOCIL, जो नेफ्था के माध्यम से प्लास्टिक का निर्माण का कार्य करता था। और ये नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। अब हम देखते हैं रसायन या पेट्रो रसायन विभाग के द्वारा जो प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन क्षेत्र के प्रमुख रूप से ये तीन संगठन जो है वो कार्य कर रहे हैं, जिसमें पहला है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये संगठन जो है वो पॉलीमर्स, रसायन, रेशों और रेशों के मध्यवर्ती जैसे विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन और वितरण का कार्य किया जाता है इस संगठन के द्वारा। दूसरा जो संगठन कार्य कर रहा है उसे हम कहते हैं पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड या PCL। ये भारत सरकार और बुनकर जो सहकारी समितियां होती हैं, इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है या संयुक्त उपक्रम हम कह सकते हैं। और इस विभाग के द्वारा या इस संगठन के द्वारा जो पॉलिएस्टर, फिलामेंट धागा और नायलोन चिप्स जो आप उपयोग करते हैं, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। और ये सभी जो उत्पादन है वो गुजरात के बड़ोदरा और नलधारी में जो कारखाना स्थित है वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो संगठन है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये संगठन जो है या ये जो संस्थान है ये इस क्षेत्र में पूरे जो प्रशिक्षण होते हैं पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत, वो इस प्रशिक्षण का कार्य जो है वो इस संगठन के माध्यम से किया जाता है। तो हमने देखा कि पेट्रो रसायन उद्योग के क्या क्या उपयोग हैं, किन किन वस्तुओं का उत्पादन इसके माध्यम से किया जाता है और कौन से जो विभाग हैं या संगठन हैं वो इसके अंतर्गत अभी कार्यरत हैं। बच्चों, अभी तक हमने जितने भी उद्योगों के विषय में अध्ययन किया तो आपको बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसमें अलग अलग तरह से हर स्तर के प्रश्न बनते हैं। जैसे अति लघुतरी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी उद्योग के विषय में, जैसे चीनी उद्योग की हम बात करें या सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, तो पहला सूती वस्त्र कारखाना या पहला चीनी उद्योग, पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसे आपको बहुत ही सावधानी से अपने दिमाग में बैठा के रखना है। और इसका एक ही तरीका है कि आप इसे अपने मानचित्र के माध्यम से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी उद्योग के विषय में, तो आपको टू द पॉइंट उसमें आंसर लिखना है। जैसे कि उस उद्योग की स्थापना पहले कब की गई, भूमिका के विषय में वो क्या है, वो उद्योग की उपयोगिता क्या है, फिर उसके उत्पादन के विषय में, फिर वितरण के विषय में, किन किन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, किस क्षेत्र का कितना प्रतिशत उस उत्पादन में योगदान है, और साथ ही साथ पूरे भारत में उसके वितरण के विषय पर। और आपको विशेष ध्यान रखना है जब हम वितरण की बात करेंगे तो वितरण में आपको मानचित्र का उपयोग जो है वो ज़रूर करना है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, चाहे उसके किसी भी क्षेत्र के विषय में आप पढ़ें, तो मानचित्र का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए या आप इसे अनिवार्य मानकर चलें कि कोई भी उत्तर आपसे पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न का जो उत्तर है वो बिना मानचित्र के ना दें। इससे आपके अंक या नंबर पर बहुत प्रभाव पड़ता है।